नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम बात करेंगे दिशा रवि की, लेकिन मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह दूं कि आज से पहले मैं दिशा रवि को नहीं जानता था, मैंने दिशा रवि का नाम भी नहीं सुना था। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो दिशा रवि को मेरी तरह नहीं जानते थे, दिशा रवि का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन दिशा रवि अचानक सुर्खियों में है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है दिल्ली पुलिस की वजह से। दरअसल 22 साल की दिशा रवि पर दिल्ली पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप सच साबित होते हैं तो दिशा रवि को 22 साल से ज्यादा जेल की सीखचों के पीछे बिताने पड़ सकते हैं। उन पर आपराधिक षड्यंत्र यानी 120 पी के तहत मामला दायर किया गया है। 153 ए के तहत वैमनस्य, दो समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने का आरोप लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 124 ए के तहत सेडिशन यानी देशद्रोह का आरोप उन पर लगाया गया है। लेकिन ये बात आगे बढ़ने से पहले हम साफ कर दें कि किसी पर आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी ठहरा दिया गया है। भारत में कानून अपना काम करता है, कानून का राज है। ये बड़ों के लिए, छोटों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सवर्णों के लिए, सबसे के लिए एक तरह से काम करता है, मैं इस बात पर यकीन करता हूं। दूसरा, अगर आरोपों के आधार पर, सिर्फ आरोपों के आधार पर जिस तरह से दिशा रवि को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। ठीक इसी तरह जिस तरह दिशा रवि पर लगे आरोपों के आधार पर ही दिल्ली पुलिस के बहाने पूरी मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, उसे भी मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं उस चीज का भी समर्थन नहीं करता। अब आप कहेंगे कि ये बात भी गलत है, वो बात भी गलत है, तो सही बात क्या है? सही बात की विवेचना करने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दिशा रवि है कौन। दिशा रवि बेंगलोर में रहती हैं, 21-22 साल की लड़की हैं। 19 साल की उम्र में पर्यावरण के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उनकी एक सहेली के अनुसार उनके दादाजी किसान थे और उन्होंने अकाल को झेला, बाढ़ को झेला, तूफानों को झेला, सूखे को झेला और इस बीच किसानी की। तो इसको बचपन से ही किसानों के दर्द को दिशा रवि अच्छी तरह से महसूस करती रही हैं। एक तरह से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है उनका। और यही बात अदालत में भी दिशा रवि ने कहने की कोशिश की थी जब उन पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था। उनका यही कहना था दिशा रवि का कि मैं किसानों के हमदर्द रही हूँ, मैं किसानों के समर्थन में रही हूँ, मैंने किसानों का जीवन जिया है, मेरे परिवार वाले किसान रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से बातें कहने की कोशिश की है। भागे दिशा रवि ने बचपन में, जब हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ चीजों को देखा होते हुए, तो वो क्लाइमेट चीजों के खिलाफ हो गई और उसके खिलाफ ही उन्होंने काम करने का फैसला किया। और कुल मिलाकर वो एक दिशा की रोल मॉडल जेन गुडाल रही हैं। जेन गुडाल ने 25 साल अफ्रीका में और एशिया के जंगलों में चिंपांजियों के बीच गुजारे थे, चिंपांजियों का अध्ययन किया था। और दिशा रवि जो है टर्टल यानी कछुओं का अध्ययन करना चाह रही थी, लिए उनकी बड़ी साथ थी। ये उनकी एक सहेली की तरफ से कहा गया है। दिशा रवि के पास जर्मन शेपर्ड नस्ल का एक कुत्ता है जिसे वो सुबह शाम घुमाने लेकर जाती हैं। बेंगलोर के अंदर निचले इलाके में रहती हैं। उस निचले इलाके में जहाँ बारिश आती है तो हर साल पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे में ये तकलीफ भी दिशा रवि को बचपन से सहनी पड़ी है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ वो जो उत्तरी मैदान में, उसकी वजह एक किसान परिवार से होना और दूसरा घर का निचले इलाके में और हर साल बाढ़ का आना, ये लगता है कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा हिस्सा रहा है। शाकाहारी खाना इनको पसंद है, शाकाहारी भोजन को वो प्रमोट करती रही हैं। 19 साल की उम्र में पर्यावरण बचाओ मुहिम से जुड़ गई थी। दिशा स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग से पूरी तरह से प्रभावित नजर आती हैं, लेकिन अपने स्वतंत्र विचार भी रखती हैं। अमेरिका के एक लेखक हैं गेल किम्बाल ने द क्लाइमेट गर्ल्स नाम की एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने दिशा रवि से भी बातचीत की। दिशा रवि से ग्रेटा थनबर्ग के बारे में पूछा गया तो दिशा रवि का कहना था कि थनबर्ग को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जैसे महात्मा गांधी की तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा है। वो कह रही थी कि इसमें वो कुछ गलत नहीं मानती,
मोटे तौर पर इस पर उनको एतराज भी नहीं है, लेकिन ये चीज हमें समझनी चाहिए कि पर्यावरण बचाने की पहल ग्रेटा थनबर्ग ने पहली बार नहीं की थी। ग्रेटा थनबर्ग से पहले भी बहुत से लोग हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण बचाने की मुहिम से जुड़े रहे हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग के पहले से ही जुड़े रहे हैं और इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। दिशा रवि से जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मोदी सरकार राइट विंग की सरकार है, आगे कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच ये बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि वह जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता की जिंदगी को संवारना चाहते हैं। आगे दिशा रवि ने कहा कि उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं, ये बात उन्हें अच्छी तरह से पता है। और आगे उनका ये भी कहना था कि आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है। तो बड़ी बात यह है कि दिशा के जो माता पिता है वो मोदी का समर्थन करते हैं। दिशा की माँ से उनकी गिरफ्तारी के बारे में जब मीडिया के लोगों ने फोन करके पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है सब ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस मौके पर मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना चाहती। दिशा से जब पूछा गया कि पर्यावरण को कौन सी पार्टी प्राथमिकता के रूप में लेती है तो दिशा ने कहा कि कोई भी पार्टी प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरण को नहीं लेती है और इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा है। खास तौर से उसने कहा कि कांग्रेस तो कतई नहीं लेती है। दिशा ने अमेरिकी लेखक को ये भी बताया था कि भारत में धरना प्रदर्शन जिंदगी का एक हिस्सा रहे हैं, जो हिंदुस्तान का आज़ादी का आंदोलन चला उसकी जड़ में भी अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से किया गया प्रदर्शन था। दिशा का कहना था कि मानवाधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, धार्मिक मुद्दों को लेकर, धार्मिक मसलों को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब बड़ा सवाल उठता है, मैं ये सब पढ़ रहा था अलग अलग अखबारों में तो मुझे लगा 21-22 साल की लड़की इतनी समझदारी से जवाब दे सकती है, इतनी समझदारी भरी बातें कर सकती है, पर्यावरण जैसा जो मुद्दा है उससे जुड़ी हुई है, उसके प्रति प्रतिबद्ध है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया नाम की संस्था से जुड़ी है जो हर फ्राइडे को मिलते हैं। ये दुनिया भर की एक ग्लोबल संस्था है जिसका बेंगलोर के अंदर चैप्टर की फाउंडिंग मेंबर दिशा रवि रही है। तो 19-20 साल की उम्र में इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना, अगर कोई इतने प्रतिबद्धता के साथ पर्यावरण बचाओ मुहिम से जुड़ता है तो वो कैसे किसान आंदोलन की आड़ में देशद्रोह कर सकता है, ऐसा कुछ अटपटा मुझे लगा, पहली नज़र में अटपटा लगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को ऐसा कुछ भी अटपटा नहीं लगता। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसान आंदोलन की आड़ में दिशा रवि ने जनता को भड़काने का काम किया, उकसाने का काम किया। दिशा रवि ने पोएटिक फॉर जस्टिस, ये कनाडा में एक संस्था है जो कि प्रो खालिस्तानी मानी जाती है, उसके साथ मिलकर, उसके साथ समन्वय करके, उसके साथ सहयोग करके एक टूल किट तैयार किया जिसका मकसद ये था कि किसानों की आड़ में लोगों को उकसाया जाए, लोगों की भावनाओं को उकसाया जाए, टकराव के हालात, टकराव की नौबत पैदा की जाए। और ये सब उन दिल्ली पुलिस की नज़र में देशद्रोह के तहत आता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जो ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग को किया गया था उसका जो टूल किट भी है वो दिशा रवि ने खुद तैयार किया था। उस टूल किट में बताया गया था कि कैसे किसान आंदोलन को तेज करना है, धरना प्रदर्शन तेज करना है, एम्बेसी के बाहर, मीडिया हाउस के बाहर या सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करना है, उसमें किन किन हैशटैग का इस्तेमाल करना है और कैसे फिर टकराव के हालात पैदा करने हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन उसके बाद में ये जो टूल किट में बदलाव कर दिया गया था, ये पोर्शन एडिट कर दिया गया था, अब दो लाइन का एडिट है, ये बात दिशा रवि कह रही हैं और दिल्ली पुलिस कह रही है कि बात सिर्फ दो लाइन की नहीं है, दो पैराग्राफ की है और उससे बड़ी बात है कि पूरा टूल किट ही दिशा रवि ने तैयार किया था और वो भी खालिस्तान समर्थक लोगों की मदद से, लोगों के सहयोग से, उनके कोलैबोरेशन में कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि दो और लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनकी वो गिरफ्तारी करना चाहते हैं और ऐसे में इसीलिए उन्होंने दिशा रवि का 7 दिन का रिमांड मांगा था, पुलिस रिमांड जो 5 दिन का दिया गया है। उधर दिशा रवि के साथियों का कहना है कि टूल किट सामान्य किस्म का था, जैसा ही कोई सोशल मीडिया पर आंदोलन चलता है, सामाजिक आंदोलन चलता है तो वो आंदोलन किस मकसद से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उसमें किन किन बिंदुओं को उठाया जा रहा है, ये सब बताने समझाने के लिए टूल किट का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया भर में ऐसा होता है और यहाँ कुछ भी कोई अनोखा नहीं था। और
इसमें भी किसानों के आंदोलन को लेकर कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, वो कानूनों का क्यों विरोध कर रहे हैं, कानून में क्या लिखा हुआ है, किसान क्या चाहते हैं और सरकार से किस दौर की बातचीत में क्या हासिल, ये सारी चीजों का ब्यौरा उसमें दिया गया था। अंत में जनता पर छोड़ दिया गया था कि जनता अपने हिसाब से तय करे, जनता अपने हिसाब से तय करे कि वो अब किस राय पर पहुंचती है, उस राय का फिर वो प्रचार प्रसार किस रूप में करती है, ये अपनी तरफ से कहने की कोशिश की गई थी। कुल मिला के दिशा रवि की कहानी को लेकर जिस ढंग से बवाल मचा हुआ है, 22 साल की लड़की को लेकर जिस ढंग से सिर्फ आरोपों के आधार पर बदनाम करने की, एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़ने की एक तरफ खबरें आ रही हैं, मीडिया में भी एक बार बड़ी तेजी से इन खबरों को चला रहा है, तो उसको लेकर मैं जब देखता हूं तो मुझे फैज अहमद फैज साहब का ये नज्म जरूर याद आ जाती है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मुझसे मेरे महबूब पहली सी मोहब्बत ना मांग, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खूह में नहलाए हुए। आगे लंबी नज्म है तो आगे थोड़ा छोटा कर रहा हूं कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी तेरा हुस्न दिलकश है मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। आप समझ गए होंगे इशारों इशारों में कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, क्या इशारा कर रहा हूं। शुक्रिया आप सबका अनकट देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर आपको अनकट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।